बताई, अश्विन जी ने बताई, बहुत ही सुंदर ये कल्पना है। मगर दो तीन चीजें जो मैंने राहुल जी से सुनी कि जजेस जो होंगे वो करंट सबॉर्डिनेट जुडिशरी के जजेस होंगे, तो मेरे ख्याल से इससे कोई मतलब नहीं बनेगा। दूसरी भी एक चीज बताऊं कि बहुत सारे फोरम्स सालों साल हमने खड़े करते गए, आर्बिट्रेशन किया, ये किया, वो किया, मगर पेंडेंसी जो है वो आज 4,60,00,000 केसेस की हो गई है भारत के कोर्ट्स में। तो बहुत जरूरी है कुछ चीजों का ध्यान रखें कि अगर जैसे राहुल जी ने कहा सेपरेट जजेस बनते हैं ग्राम न्यायालय के, तब तो कोई फायदा है। अगर वही जजेस उतने ही जजेस रह के वो एक दिन ग्राम न्यायालय का काम करेंगे तो मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं होगा, ये ढकोसला हो जाएगा, पास हो जाएगा। वैसे ही रिट की ज्यूरिसडिक्शन जैसे कारिया जी ने कहा हाई कोर्ट की रहती है। हमने जो चिट्ठी लिखी है राहुल जी ने और हमने सबने मिलकर आरटीआई के बारे में लिखी है कि रिट ज्यूरिसडिक्शन जैसे होना चाहिए वैसे नहीं इस्तेमाल हो रहा है, किसी भी चीज में रिट ज्यूरिसडिक्शन में स्टे दिया जा रहा है, वो सीमित करना बहुत जरूरी है हाई कोर्ट्स को कि रिट ज्यूरिसडिक्शन स्ट्रिक्टली जैसे रिट ज्यूरिसडिक्शन कानून में है, संविधान में है, वैसे ही उसका इस्तेमाल हो, तब तो कुछ फायदा होगा। कल्पना बहुत सुंदर है, अलग जजेस बने, टाइम लिमिट हो, टाइम के अंदर ग्राम न्यायालयों को तय करना चाहिए। अगर वो भी 2-3 साल लगाने शुरू कर दिए तो वो भी टॉर्चर चेंबर बन जाएंगे। ऐसे ही हम बनाते रहते हैं टॉर्चर चेंबर ज्यादा और ज्यादा, और अपने देश के शासन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि हम सब चीजों का ध्यान रखेंगे, आरटीआई को भी साथ लेके चलेंगे और हम सब साथ मिलके ये सुंदर परिकल्पना के इफेक्ट देंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद गांधी सर। थोड़ा सा आप अपने पीआईएल के बारे में भी बताएं जो भी हाल ही में आप लोगों ने लगाई हुई है वर्चुअल कोर्ट्स को लेकर। अच्छा, ये जो पीआईएल हमने लोगों ने लगाई है इसमें फेडरेशन फॉर फास्ट जस्टिस, मिस्टर जूलियो रिबेरो और मैं, हम 3 पिटिशनर्स हैं। वर्चुअल कोर्ट्स शुरू हुई है मगर बहुत ऑपोजिशन है जो पावरफुल लॉयर लॉबी है उनसे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इसका डट के मुकाब विरोध कर रही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इसका डट के विरोध कर रही है और कई जजेस भी विरोध कर रहे हैं। वर्चुअल कोर्ट की बड़ी सिंपल कल्पना है कि इंटरनेट के जरिए लॉयर या असील या जो लिटिगेंट है वो अपियर हो सकता है, और अगर ये हुआ तो लोगों को कोर्ट रूम तक जाने की जरूरत नहीं। और हम ये कह रहे हैं कि ऑप्शनल रखा जाए, हाइब्रिड सिस्टम रखा जाए, जिसको कोर्ट में जाना है वो कोर्ट में जाए फिजिकली, और जो इंटरनेट के जरिए अपियर होना चाहता है वो इंटरनेट के जरिए अपियर हो। सिंपल शब्दों में कहूं तो जैसे एक छोटा शहर है रेवा समझ लीजिए, रेवा में अगर कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट में कुछ करता है, हाई कोर्ट में जाना है तो उसे मेरे ख्याल से भोपाल जाना पड़ेगा या उत्तर प्रदेश के छोटे गांव से उसको इलाहाबाद जाना पड़ेगा हाई कोर्ट में जाने के लिए। वो जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में बैठ के अपने दफ्तर में या कंप्यूटर सेंटर या साइबर काफे से वो अपियर हो सकता है और सुन सकता है कि मेरे केस में क्या हो रहा है, नहीं तो वो 2-3 दिन का टाइम व्यस्त होता है। उसका वकील भी जो वहां पे रहता है उसी गांव में रहता है वो उसके लिए अपियर हो सकता है बिना हाई कोर्ट की जगह जाए, तो बहुत सारी बचत हो सकती है, लोगों के लिए एक्सेस टू जस्टिस इजी होगा। उसी के साथ जोड़ा है हमने वर्चुअल कोर्ट्स के बारे में कि भाई ई फाइलिंग होना चाहिए, अगर ई फाइलिंग हुआ तो बहुत फर्क पड़ सकता है। और हम ये सेमिनार जो कर रहे हैं, वेबिनार शिवानंद जी और प्रवीण जी 1 साल से, वो हम कर सकते हैं, तो कोर्ट्स क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट कर सकती, मेरी ये समझ में नहीं आ रही है। कुछ तकलीफें हैं मगर जो तकलीफ है वहां ट्रैवल करने की, और जिसकी वजह से खर्चा बहुत भयंकर बढ़ जाता है, वो खर्चा बहुत कम हो जाए, छोटे शहर के वकीलों को भी बहुत फायदा होगा, जनता को भी बहुत फायदा होगा। हम ये कह रहे हैं कि ऑप्शन दिया जाए, और हमारे हिसाब से ये मौलिक अधिकार डिक्लेयर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार एक्सेप्ट किया है, तो इंटरनेट के जरिए कोर्ट में हाजिरी देना या कोर्ट को एविडेंस देना या कोर्ट देखना
वो भी मौलिक अधिकार होना चाहिए, ये हमारी रेट पिटिशन है, ये हमारी पीआईएल है। धन्यवाद शिवानी जी, आपने पीआईएल तो लगा दिया है सर, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी शायद उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है वर्चुअल कोर्ट को, ऐसा है ना, उसी के अगेंस्ट आप लोग गए हैं, उत्तराखंड की गवर्नमेंट है, उत्तराखंड और दूसरे दो हाई कोर्ट ने बंद कर दिया है वर्चुअल हियरिंग। दूसरे राज्यों में भी इफेक्टिव वर्चुअल हियरिंग बहुत कम हो रही है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, इसको बंद न किया जाए। जो वर्चुअली अपियर होना चाहता है कोर्ट के अंदर वो वर्चुअली अपियर हो, जो फिजिकली अपियर होना चाहता है वो फिजिकली अपियर हो। अगर ये कोर्ट ने मान लिया तो मेरे ख्याल से एक दो साल के अंदर आप देखेंगे कि 50% से ऊपर लोग कोर्ट में जाना बंद कर देंगे। कोर्ट में भीड़ भाड़ भी कम होगी, छोटे कोर्ट रूम भी चल सकते हैं, जबरदस्त फायदे हैं, मगर कुछ वकील अपने स्वार्थ के लिए इसको डट के मुकाबला कर रहे हैं ताकि बड़े शहरों के जो वकील हैं उनको ही केस मिलते जाए। जी, अभी आप लोगों ने 15 सूचना आयुक्त जो पूर्व ज्यादातर और वर्तमान सूचना आयुक्त माननीय राहुल सिंह जी भी यहाँ पर हैं, आप लोगों ने एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है जिसमें ये रिट पटिशन जो हाई कोर्ट में दायर करते हैं वो स्टे दे देते हैं आप लोगों के द्वारा की गई कार्यवाही और अनुशासनात्मक कार्यवाही 20(1) और 20(2) के विरुद्ध, तो उसको लेकर के आप लोगों ने एक पत्र लिखा है, थोड़ा सा इसके विषय में भी अवगत कराएं सर। 15 कमिश्नर्स ने मिलके, राहुल जी भी है, आत्मदीप जी भी है और भी कई कमिश्नर्स हैं, सबने मिलके एक चिट्ठी भेजी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि रिट, जैसे मैंने कहा, रिट का दायरा लिमिटेड है, मगर आरटीआई कानून ये कहता है सेक्शन 23 में कि कोई भी अपील कमीशन के आगे नहीं होगी, कमीशन फाइनल अपेलेट अथॉरिटी है, इसके आगे कोई अपील नहीं हो सकती है। तो पार्लियामेंट का ये अंदाज था कि अपील इसके आगे नहीं होनी चाहिए, यही खत्म हो जाना चाहिए केस। कई केसेस में हमने देखा है कि जहां पब्लिक अथॉरिटी के विरुद्ध डिसीशन जाता है, पुलिस सूचना नहीं दे रही होती है या बोले कि ये पब्लिक अथॉरिटी है तो बोलते हैं पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ऐसे किस्सों में वो हाई कोर्ट में जाके स्टे ले लेते हैं, जो हमारे हिसाब से गैर कानूनी है, गैर संविधानिक है। संविधान में भी ये प्रयोजन है 226 के तहत कि फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करने के लिए रिट पिटिशन है, और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे निर्णय है कि रिट में लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट का, कम नसीबी ये है कि ये फॉलो नहीं किया जा रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि कोई भी कोर्ट का ऑर्डर या आयोग का ऑर्डर या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से कारण दिए बिना नहीं हो सकता है। ये होता ये है कि कोई भी लॉयर चले जाते हैं, कहते हैं स्टे दे दीजिए, उसको स्टे दिया जाता है। कानून सर्वोपरि तब होगा जब सब स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के लिए मान सम्मान होगा, न सिर्फ कोर्ट के लिए। और इसके लिए ये स्टे देने के टाइम पे हम ये डिमांड कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोर्ट, हाई कोर्ट का ही निर्णय है, हाई कोर्ट कहे कि एक ऐसे स्टे, ये स्टे जो है ये रिट ज्यूरिसडिक्शन में ये केस आता है, ये एटलीस्ट पहले सोचे और कारण लिखे। दूसरा एक है 226/3 प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके तहत ये है कि अगर पार्टी को सुने बिना स्टे दिया है किसी में तो 15 दिन के अंदर उसका निकाल लाना चाहिए, वो भी फॉलो नहीं हो रहा है। संविधान अगर कोर्ट नहीं फॉलो करेगी तो फिर तो भारत की बहुत दुर्दशा होगी, ये हमारा मानना है, और हम उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस इसमें सो मोटो पीआईएल बना के इस पे प्रॉपर निर्णय लेंगे। कानून की हद में सबको रहना है, इस देश के प्रधान हो या प्रेसिडेंट हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या छोटा आदमी है जो रास्ते में चल रहा है या किसान है, सबको कानून ने बांधा है और कानून ही से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद जी सर। अभी एक अंत में और भी प्रश्न आपसे हम सबकी तरफ से पूछना चाहेंगे कि जो पत्र आप लोगों ने लिखा है 15 सूचना आयुक्तों ने, उसे होंगे तो लगभग 150 से अधिक सूचना आयुक्त, लेकिन आप लोगों ने 15 ने हिम्मत की और ये किया जनहित में, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें लगता है कि सब जनता आप लोगों की बहुत आभारी होनी चाहिए इसके लिए।
इसमें आम जनता क्या कर सकती है, आम आरटीआई जो कार्यकर्ता हैं या आवेदक हैं, क्या वो भी इस तरह से पत्र आप ही की तर्ज पर लिखें क्या वो सीजेआई? अगर लिखे तो बहुत ही फायदा होगा शायद, और अखबारों में मैगजीनों में इसकी चर्चा हो, टीवी पे चर्चा हो, जैसे लोगों को, ये सब लोगों के हित में है, ये कोई किसी के स्पेसिफिक नहीं है। कल ही एक टीवी चैनल ने एबीएन न्यूज करके है, उन्होंने हमारे रिट पिटीशन पे, पीआईएल पे, सॉरी पीआईएल पे उन्होंने चर्चा की थी। ऐसी चर्चा अगर देश भर में हो, लोग जागरूक हो जाए कि ये मौलिक अधिकार हमारा हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार पे जब हनन हो तो सब जनता इसके डिस्कस करे। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कोर्ट को ही निर्णय देना है, मगर कोर्ट निर्णय कानून में और संविधान के संलग्न दे, उसके बिना न दे, ये हमारी रिक्वेस्ट है। जनता अगर इसके पत्र लिखते हैं, इस प्रकार के पत्र आपके पास भी है, सबके वहां फैलाइए, हिंदी में, तमिल में, आसमीज में, हर भाषा में लोग ये यही एक डिमांड करें। देश में ये जन जागृति बहुत महत्व की है मेरे हिसाब से, और जनता को जागरूक होना जरूरी है। अगर वो हुआ तो मेरे हिसाब से हम सचमुच बदलाव ला सकते हैं, बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वर्चुअल कोर्ट्स और ये रिट का जो अगर हुआ तो बहुत बड़ा बदलाव अपने न्यायिक पद्धति में आ सकता है। जी सर, धन्यवाद। हमें लगता है राहुल सिंह सर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इस विषय पर। आपने जैसा शैलेश गांधी सर ने बताया कि अगर, और आपका जो प्रश्न था कि जनता इसमें क्या कर सकती है, तो ऐसे अब कभी कई प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, जैसे change.org है, उस पर आप इस पिटीशन को डाल करके, और जनता के नाम वो सबको मेल चले जाएगा, और उसमें वो बस एक क्लिक दबाना होगा उनको और अपना क्रेडेंशियल डालना होगा, तो सारी जनता के नाम से ऑनलाइन पिटीशन भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके पास पहुंच जाएगी कि हम जो ये 15 सूचना आयुक्त थे, उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, हम इससे सहमत हैं और हम चाहते हैं कि सीजीआई इस पे तत्काल कोई निर्णय ले। ये एक ऐसा पिटीशन बना करके change.org पर आप देखेंगे, उसमें ये है, उसकी व्यवस्था है, आप उसको एक ऑनलाइन पिटीशन के रूप में आप उसको तब्दील कर सकते हैं, और उसकी एक कॉपी सीजीआई को और दूसरी कॉपी आप जिसको भी चाहेंगे वो कॉपी वहां डिलीवर होती जाएगी। ये बहुत ही सुंदर सुझाव है। ये बिल्कुल और भी तरह से अगर सोशल मीडिया पे भी इसकी चर्चा हो, लोग इसकी चर्चा करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम कह रहे हैं उसको आप सही मान लीजिए, पर चर्चा तो हो, तो इस बारे में संवाद हो पूरे देश भर में। चर्चा हो रही है, कई लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है, ये जो मांग है चर्चा करें ना, हाईकोर्ट का ये प्रेरोगेटिव है, वो इस मामले की सुनवाई करना। नहीं नहीं नहीं, ये 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 गलत सोच है अपने देश में। हाईकोर्ट राजा महाराजा नहीं है, मेरे पंच प्रधान राजा महाराजा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राजा महाराजा है। चर्चा करें, हम चर्चा में भाग लें, इस पे बहस करें, संवाद करें और देखें क्या निकलता है। हमें बताएं कि कानून हम जो कह रहे हैं वो क्या गलत है। जी सर, इसमें गलत भी क्या है, हम कहते हैं 15 सूचना आयुक्तों ने, या सपोज करिए कि और जो आरटीआई के लिए काम करने वाले लोग हैं, यदि ये बात कोर्ट को लिखते हैं तो इसमें गलत क्या है? वो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि भाई रिट आप स्वीकार करिए, लेकिन एक बार आवेदक को और जिसने निर्णय दिया है सूचना आयोग को आप सुनने का मौका तो दीजिए एक बार भैया, उसको मूल बात ये है कि रिट जुरिस्डिक्शन में आता ही है नहीं, ये आप तय कीजिए जब भी आप स्टे देते हैं। हमारी मेन ये डिमांड है कि कोर्ट ही तय करे, हाई कोर्ट ये कहे कुछ कारण देके कि रिट जुरिस्डिक्शन में आता है, वो निर्णय आपका, मगर उसके बिना अगर आप स्टे देते हैं तो वो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। इनफैक्ट शिवानंद जी, 15 से ज्यादा सूचना आयुक्त थे, वो आत्मदीप जी ने बात की थी, तो कुछ कंफर्मेशन बाद में आए थे उनके पास, अच्छा, इसीलिए वो नाम उस समय जुड़ नहीं पाए थे, लेकिन आगे कभी इस मुद्दे पर अगर पिटीशन जब आगे बढ़ेगा तो उसमें वो सारे नाम फिर जोड़े जाएंगे। जी सर बिल्कुल, ये जनता के एक चीज कहूं, अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को, साधुवाद सर, साधुवाद, इतने अच्छे कार्यक्रम कर लिए आप सबों को साधुवाद, और हम बिहारवासी आपके साथ हैं, हम बिहारवासी सब कोई मिलकर साथ आपको देने के लिए तैयार हैं, और उम्मीद करते हैं सफलता मिलेगी,
हम लोग आगे सफल हो पाएंगे। देश और राज्य के लिए नहीं, हर एक नागरिक के लिए हम लोग सफल हो पाएंगे। धन्यवाद सर। जी जी, धन्यवाद आप सभी का। आप इसी तरह से इस कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाते रहें, और जिस तरह से माननीय महोदय बता रहे हैं कि हम लोगों को सबको इसको प्रयास करना चाहिए, सोशल मीडिया से लेकर के change.org और इस तरह से पत्र लिखकर, तो हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। और हम चर्चा करेंगे आपसे इस विषय पर मीटिंग के बाद में, और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद आपका। तो अब हमारे बीच में आत्मदीप सर भी जुड़े हुए हैं, और वो इसके पार्टिसिपेंट्स भी रहे हैं इस 15 सूचना आयुक्त महोदयों ने जो पत्र लिखा हुआ है, तो अपने कुछ वो भी अनुभवों के बारे में बताएंगे, क्योंकि ऑर्डर तो उनके भी बहुत सारे चैलेंज हुए होंगे हाई कोर्ट के द्वारा, तो वो तो थोड़ा बहुत दर्द तो बात का रहा होगा कि भाई हफ्ते भर ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद इतना बढ़िया स्पीकिंग ऑर्डर देना, और फिर वो चैलेंज हो जाए वो भी बिना मतलब कुछ बेस के, तो इसमें काफी लगता होगा, मतलब एक फीलिंग तो आती होगी। तो आपने आपको अनम्यूट करने आत्मदीप सर, और थोड़ा सा इसके विषय में आप भी प्रकाश डालें, प्लस ग्राम न्यायालय एक्ट के विषय में जो चर्चा हुई उसके विषय में भी अपने अनुभव शेयर करें। देखिए, हम सब वर्तमान और पूर्व सूचना आयुक्तों की जो सबसे